जहाँ जा रहे हैं वो बहुत ही स्पेशल जगह है। ये एक्चुअली मेरी मम्मी की ड्रीम प्लेस है जो मम्मी काफ़ी टाइम से विजिट करना चाहती थी। अब हम जा रहे हैं हमारी फ्लाइट बोर्ड करने। सो जम्मू इज़ अ डिफेंस एयरपोर्ट, तो वहाँ पर फोटोग्राफी एंड वीडियो शूटिंग अलाउड नहीं थी। और ये हम लैंड करके जम्मू में, जम्मू से कटरा बस से गए बिकॉज इट्स अ बजट ट्रिप। एंड रास्ते में काफ़ी प्यारे प्यारे नज़ारे थे। एक बार बीच में बस रोक करके सारे लड़कों को उतरवा के उनकी चेकिंग दोबारा हुई थी। फिर हम लोग पहुँचे कटरा। सो रास्ते में काफ़ी प्यारा सा ये मार्केट था कटरा का, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी। इसके बाद हमें जाना था हमारा RDIF कार्ड कलेक्ट करने के लिए। सो अभी क्या है, ऑनलाइन पर्ची का सिस्टम जो है वो बंद हो गया है। सो आप सबको ये कार्ड वहाँ जाके मैन्युअली कलेक्ट करना होता है, देन उसके बाद ही आप चढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए काफ़ी सारी जगह काउंटर बने हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं पड़ती है। ओके गाइस, सो वी आर रेडी। हेलो, ये हम सब ने अपना अपना वो कार्ड बनवा लिया है। तो फाइनली बस स्टैंड पर कम भीड़ थी। आ जाओ, हाय कर दो। क्या करना है? हाँ, वो चुन्नी खरीद ली है माता रानी के लिए। ये इन्हें भी चुन्नी खरीद ली है। हाँ, बता दो सबको, बता दो। और ये इन्होंने छड़ी, ये हमारे लिए जरूरी चीज है, छड़ी। हम छड़ी पकड़ के चलो। ये ली हमने माता रानी की। तो हम चढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग खाना खा के निकल चुके हैं आगे। एंड द प्रॉब्लम इज, सो द प्रॉब्लम इज कि ये रोड ना कॉमन है खच्चर के लिए भी एंड पैदल जाने वाले लोगों के लिए भी। तो बीच बीच में ना घोड़ा करके बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। एक बार तो इसमें डूब भी गया। सो हम दोनों यहाँ पर बोझा ढोते हुए, हम दोनों के पीछे पे आ गए, येट हम सबसे आगे चल रहे हैं और बाकी सब पता नहीं कितने पीछे रह गए। चढ़ाई कहीं कहीं पर स्टीप है एंड कहीं कहीं पर तो नॉर्मल रोड जैसा बना है। सो इतनी कुछ खास मुश्किल अभी तक हो नहीं रही है। ये देखो, इतने ऊपर आने के बाद दिस इज द व्यू गाइस। भवन तो दिखी नहीं। अच्छा, वो है क्या भवन, वो जो दिख रहा है टॉप पे, वो भवन है? नहीं भाई नहीं, अभी क्या, अभी थके हुए नहीं ना मन। राहुल भाई, आप क्या मांगने जा रहे हो? क्या मांगने जा रहे हो इतनी दूर? कुछ तो सोचा होगा मन में कि हाँ ये मन्नत पूरी हो जाए। अरे बता दो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। सब मिलके दुआ करेंगे फिर आपके लिए। अच्छा वर, प्रियंका जी किसके लिए? अच्छा वर किसके लिए? आपकी बहन के लिए? अरे बाप रे, आप क्या मांगने जा रही हो? मैं बस अपनी खुशी से आई हूँ। अरे ये मनी मन में। अच्छा वर मांगने जा रही है भाई, सब दूल्हा लेने आए हैं इधर पे, बताओ आप क्या मांगने वाले हो? मैं प्रमोशन मांग रही हूँ, मुझे पैसा चाहिए। पैसा आएगा तो वर अपने आप आएगा। मौसी, मौसी क्या मांगने जा रही हो? नहीं जा रही, मुझको सब कुछ मिला है माता रानी के पास। तुम क्या मांगने जा रही हो? मेरी बेटी को अच्छा लड़का मिल रहा है। भगवान, दीज इंडियन मॉम्स एंड देयर ऑब्सेशन विद लड़का। भाई लड़के गमले में नहीं उगते हैं यार, समझाओ इनको। यार ये पूरे रास्ते में शॉप्स लगी हुई हैं, मेडिकल की है, खाने पीने की है, एंड मार्केट है, शॉल है, मसाज सेंटर्स। ये मसाज की तो बाप रे मैंने अभी तक 20 शॉप्स देख ली होंगी। हाँ, और सब कुछ रीजनेबल प्राइस पर है। मतलब कुछ भी ना, ऐसा नहीं है कि ऊपर देना तो महंगा देंगे। हैंडलूम, हाँ हैंडलूम वर्क भी है, ये बहुत प्यारी चीज़ है। अगर कोई थक गया है तो? हाँ, नींबू पानी भी हर स्टॉल पे, गन्ने का जूस, देन टॉयलेट्स हैं, काफी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, आवाज ना आई जय माता दी, बंदो बोलो जय माता दी, बंदरा बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो भाई मेरा लेग डे हो गया इधर खतरनाक तरीके से। शायद हम अभी आज दूर भी नहीं आए, बट पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो गया थोड़ा सा। बाय, हेलो कर लिया उसने, हेलो। अब अर्थ कुआरी दूर नहीं है, ये तो दिख रही है, ये थोड़ा सा और चलना है, अर्थ कुआरी आ जाएंगे। और यहाँ से व्यू, कैमरा कुछ भी कैप्चर नहीं कर पा रहा है क्योंकि हमारे पास खैर कैमरा भी घटिया ही है। आंखों की बात अलग है भाई, आंखों की बात बहुत अलग है। पता है क्या,
रुक जाते हैं ना तो और ज्यादा मुश्किल होती है चलने में, और से सीधे सीधे चलते रहो तो पता नहीं चलता। एक बार रुक जाओ, रुकने के बाद उठना, बाप रे उसके बाद इतने पैर दर्द कर रहे हैं। सो इट्स बेटर कि डोंट स्टॉप और चलते जाओ धीरे धीरे। फाइनली अर्धकुंवारी, भाई अर्धकुंवारी मीन्स हमने हाफ डिस्टेंस कवर कर लिया है, अब जितना चढ़े हैं इतना और जाना है। सो हाफ डिस्टेंस कवर करने में हमें लग गए 3 घंटे पूरे, सो 3 घंटे और लगेंगे इसके बाद शायद, सो टोटल 6 घंटे का रास्ता है। फाइनली गाइस हम आ गए अर्धकुंवारी, कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है? मज़ा आ रहा है, हालत टाइट हो रही है। यार बहुत तेज पैर दुख रहे हैं मेरे। ये देखो भाई, ये देखो माय डियर फ्यूचर भाभी, यू आर वेलकम। बस बस बस, ये देखो भाई फ्यूचर भाभी के लिए क्या क्या हो रहा है। हाँ यार ऐसा लग रहा है खिसकते ही जा रहे हैं, मंदिर खिसकते ही जा रहा है, पास में ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। बाप रे, अभी देखा था तो पता नहीं कितना किलोमीटर बचा था। हाँ, और मम्मी ने और अब्बा फैला दी कि 1 किलोमीटर बचा है। हम लोग बढ़िया खुश होकर चल रहे कि चलो 1 किलोमीटर, फिर देख के पता चला 3 किलोमीटर है। बाप रे, सोच की मौत आ रही है, अभी 3 किलोमीटर और जाना है। साहब ये पालकी वाले कैसे चढ़ रहे हैं इतना वजन लेकर के, इधर तो सारा खाली हाथ में मौत आ रही है मुझे। सलाम इन लोगों को भैया, सलाम। पहुंच गए जुवन और इतनी खराब हालत हो चुकी है मेरी, मुझे फील तक नहीं हो रहा कि मेरे पास पैर है कि नहीं। इसके बाद आपको सब कुछ लॉकर में रखना पड़ता है, आपका मोबाइल, देन वॉलेट और जूते वगैरह सारी चीज़ें लॉकर में रख के ही आप वहाँ पर जा सकते हो आगे, एंड कुछ भी शूटिंग वगैरह फोटो अलाउड नहीं होती। सो दर्शन करने के बाद हम लोग वापस आए, एंड उसके बाद हमें 3 किलोमीटर और भैरव बाबा की चढ़ाई करने के लिए जाना था। सो मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी, तो मैंने तो बिल्कुल ही मना कर दिया था कि नहीं भैया आई क्विट, मैं नहीं जा सकती हूँ और मुझे बस नीचे जाना है और मुझे बस आराम करना है, बहुत हो गया। जब हम नीचे जा रहे थे तब तक सुबह हो चुकी थी, एंड ये बज रहे सुबह के 5:30, और इतना प्यारे नज़ारे हमें रास्ते में देखने को मिले थे। सनराइज़ देखा, एंड मतलब माउंटेंस तो बहुत प्यारे थे ही, प्लस माउंटेंस के पीछे क्लाउड्स, ओ माई गॉड, मतलब क्लाउड्स से तो मुझे ऐसा ऑब्सेशन हो रहा था ना, बहुत प्यारा वेदर हो रहा था। सो एवरीथिंग लाइक इतना ऊपर चढ़ने के बाद जो व्यू है वो तो इतना ज़्यादा वर्थ करता है कि आपको क्या बताऊँ। सो बहुत अच्छा रहा, और बस इसी के साथ हमारी यात्रा समाप्त हो गई।